तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी नई सॉफ्टवेयर एमएस एक्सेस डेटाबेस। तो आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को पढ़ा, अब बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की। सबसे पहले जानते हैं कि एक्सेस क्यों, किसको और किस लिए जरूरत पड़ता है। देखिए, एमएस एक्सेल डेटाबेस है, लेकिन ये है एसएमई डेटाबेस, शॉर्ट मीडियम इंटरप्राइजेस। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसकी एक लिमिटेशन है कि 2 GB से ज्यादा स्टोर नहीं कर पाता। इसमें कोई रो एंड कॉलम की तो लिमिटेशन नहीं है, बट इसकी एक डेटाबेस की साइज 2 GB से कम होनी चाहिए, उससे आगे के डेटा को स्टोर नहीं करता है। इसलिए इसको एसएमई शॉर्ट मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए बोला गया है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां तो अपने डेटाबेस रखती है, अपना सर्वर रखती है, लेकिन जो छोटे हैं और उद्यमी है, जैसे कि एक स्टोर हो गया या एक छोटी कंपनी हो गई, जो छोटे मीडियम इंटरप्राइजेस है, मीडियम साइज की कंपनीज है, जो कि बड़े सॉफ्टवेयर को अफोर्ड नहीं कर सकती और बड़े सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने वाले ऑपरेटर को अफोर्ड नहीं कर सकते। अब जरूरी नहीं कि हमने एसक्यूएल सर्वर ले लिया और सैस ले लिया तो हो गया, क्योंकि सैस को ऑपरेट करने के लिए फिर उसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और पूरा स्टाफ भी तो चाहिए और उनके स्टाफ महंगे होते हैं। इसलिए माइक्रोसॉफ्ट ने एमएस एक्सेल डेटाबेस लिया ताकि आप छोटे डेटाबेस को स्टोर कर सके। तो एक क्वेश्चन उठता है कि हम एक्सेल को भी तो अपने डेटा को एक्सेल भी तो रख सकते हैं, एक्सेल की क्या जरूरत है, जब छोटी है तो एक्सेल एक्सेल भी काफी है, एक्सेल भी काफी है क्या सर? तो उसके दो पहले प्रॉब्लम कि एक्सेल के अंदर में जब एक्सेस बना था उस समय 63,000 रो ही थी एक्सेल के अंदर में, अभी भी 10 लाख है, उससे ज्यादा डेटा हुआ तो क्या, तो एक्सेस आ। दूसरा, हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो डेटाबेस नहीं है, वो एक रिपोर्टिंग एनालिसिस टूल्स है, स्प्रेडशीट, समझ गए? डेटाबेस बहुत सारे नियमों को फॉलो नहीं करता है, डेटाबेस जैसा सिक्योरिटी को फॉलो नहीं करता है, उसके पास को इजीली ब्रेक किया जा सकता है, समझ गए? तो इसलिए हम जो है इस्तेमाल करते हैं कौन सा, एमएस एक्सेस। क्लियर है सर? यस सर। अब बात करते हैं कि एमएस एक्सेस में किस तरह की क्या इसका स्ट्रक्चर क्या है। यदि कोई भी डेटाबेस जो पुराने या नए डेटाबेस खोलिए, इसमें 4 पार्ट, जैसे एक्सेल के अंदर में था वर्कबुक, शीट्स और रेंज, राइट सर? इसमें क्या है, इसमें है टेबल, पहला है टेबल, दूसरा है फॉर्म, तीसरा है क्यूरी और चौथा है इसमें आपका रिपोर्ट्स। टेबल डेटा को स्टोर करने का काम होता है, ठीक है? टेबल वैसे एक्सेल का शीट है, शीट पे हम डेटा रखते थे, ऐसे आप टेबल पे डेटा रख सकते हैं, टेबल पे डेटा स्टोर होता है। फॉर्म, फॉर्म इंटरफेस के लिए होता है, जैसे आपको एक्सेल में यूजर फॉर्म था, यूजर फॉर्म है, उस तरह से एक्सेस में डेटा एंट्री करने के लिए, डेटा रिट्रीव करने के लिए आप फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हो। अब बात करते हैं क्यूरी का। क्यूरी का इस्तेमाल होता है डेटा को फिल्टर करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि आपके पास डेटा पूरे साल का है, लेकिन आप पूरे साल का है और सारे प्रोडक्ट का है, लेकिन आपको एक मंथ का किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डेटा आपको देना है, तो उसके लिए आप फिल्टर लगाएंगे, उससे अच्छा है कि क्यूरी लगा, क्योंकि फिल्टर लगाने पर डेटा चेक नहीं होगा, क्यूरी से वो डेटा अलग हो जाएगा। तो वो उसने क्या होता है, स्पेशली कि जैसे बने बनाए फिल्टर्स होते हैं, जस्ट यूजर को क्लिक करना है और रिपोर्ट सामने आए, लेकिन फिल्टर में तो हमें लगाना पड़ता है ना, कंडीशन देना पड़ता है, फिल्टर कैलकुलेशन में होती है, क्यूरी में कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, एक्स्ट्रा कॉलम ऐड कर सकते हैं, तो क्यूरी डेटा को फिल्टर करने का इस्तेमाल करता है।
और चौथा आता है रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स होता है कि आपके जो ड्यूटी टेबल जो भी आपने बनाया है उसको रिपोर्ट फॉर्मेट में शो करना है, चाहे वो एक्सेल में हो, फिर उसको अगर आपको मान लीजिए किसी को भेजना है तो आप उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके, नोट पैड में कन्वर्ट करके, एक्सेल में कन्वर्ट करके, वर्ड में कन्वर्ट करके आप किसी को भेज सकते हैं एक रिपोर्ट फॉर्म, जिसमें हेडिंग वगैरह होंगे, डेट्स वगैरह होंगे, सीरियल नंबर वगैरह होगा, उसको बखुद बना के देता है। तो ये इसका इंट्रोडक्शन है। अब MIS में रिपोर्ट ऑटोमेशन में एक्सेस का क्या रोल है इस चीज को समझ जाइए, क्योंकि आप बोलोगे सर मैं तो काम करता हूं MNC के लिए, वहां पे तो उनके अपने खुद के बड़े बड़े डेटाबेस है जहां एक्सेस की क्या अवकाश है, वहां पे हम क्या इस्तेमाल करें। तो जब आप एक्सेल पे अपने रिपोर्ट को ऑटोमेट करते हैं तो एक्सेस एक्सेल में बहुत सारे ऐसे फीचर है जो कि लेंथी तरीके से परफॉर्म होते हैं, एक्सेस उसको आसानी से कर देता है। जैसे याद होगा आपको रजनीकांत जी आपसे पूछा था एक बार, याद होगा कई सारे टेबल्स के डेटा को कुलेट करना है, कई सारे फाइल से डेटा को कुलेट करना है, लिंकम करना है, तो एक्सेल टू एक्सेल लिंकम में बड़ी दिक्कत होती है, फाइल ओपन होगा हर बार अपडेट लिंक मांगेगा बहुत सी प्रॉब्लम होती है और उस पर क्यूरी वगैरह नहीं चलता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक इमीडिएट के तौर पे एक्सेस की फाइल को रखते हैं जहां पे सारे फाइल वहां से लिंक होता है, एक्सेस को कैलकुलेट करके क्यूरी के फॉर्म में फिर उसको किसी जो हमारा रिपोर्ट एक्सेल होता है इसको फॉरवर्ड करता है, तो एक इमीडिएट के तौर पर काम करता है। इस तरह से मान लीजिए कि आउटलुक का डेटाबेस बनाना है, आउटलुक के कितने मेल्स आते हैं उसका डेटाबेस मुझे बने, इसके लिए पेमेंट वगैरह एनालिसिस वगैरह कर सकूं कि हमने कितने मेल किस किस को किए वगैरह वगैरह, तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, राइट सर? तो एक्सेस यहां पे आता है। तो एक्सेस को सीखने से पहले ध्यान रखिएगा आपको रिव्यू करना होगा टेम्पलेट्स, क्यों? क्योंकि एक्सेल से आप फैमिलियर, एक्सेल पे आप काम करते हैं, आपको पता है कि एक्सेल क्या करता है, ठीक है? लेकिन एक्सेस आपके न्यू है, पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्सेस में क्या क्या किस तरह की क्या चीजें कर सकते हैं, ठीक है ना? तो उसके लिए आपको जो है ये आप टेम्पलेट जब न्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे बने बनाए डेटाबेस जैसे कि कॉन्टैक्ट, मान लीजिए कि आप क्लाइंट कोऑर्डिनेटर है, आप क्लाइंट के पूरी डेटाबेस को मेंटेन करते हैं, तो क्लाइंट का कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए एक डेटाबेस बनाना है, तो क्लाइंट के कॉन्टेक्ट डेटाबेस बनाने के लिए आप इसको ऑन कर लीजिए, आ गया? ये जो दिख रहा है यूजर फॉर्म है, अभी इस डेटाबेस को समझिए, इसे माइक्रो भी लगा हुआ है, इसको मैं यहां से बंद करता हूँ। हाँ, ये देखिए टेबल्स है, टेबल दिख रहा है आपको, टेबल मतलब सारी डेटा यही पे स्टोर हुआ है, सारी डेटा यही पे स्टोर हुआ है, तो जो भी इंफॉर्मेशन है इस टेबल में, क्योंकि टेबल है टेबल में होता है, और एक और सेटिंग का टेबल है इसमें कुछ होता है सेटिंग का, ठीक है ना? शो टेबल करके आता हुआ, अब यहां पे देखिए फॉर्म, तो कॉन्टेक्ट डिटेल्स को फिल करने का फॉर्म दिखा आपको सर, यहां पे आपको एक इंटरफेस हो गया, मतलब कि यहां जो भी आप एंट्री करेंगे वो आपका कॉन्टेक्ट टेबल में जाके स्टोर हो जाएगा, राइट सर? ये हुआ कॉन्टेक्ट को फिल करने का। दूसरा आता है कॉन्टेक्ट लिस्ट, ये आपको देखने का है कि आपके डेटा में कौन कौन से आपके पास कौन कौन से कॉन्टैक्ट है उसका पूरा लिस्ट यहां दिखता है, और यहीं से आप नया कंटेंट को ऐड भी कर सकते हो